स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल सीजन 13 में आज कुछ अलग ही मुकाबला देखने को मिला। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हराया। इस हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। आईपीएल के इतिहास में ये चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी हार है। तो वहीं इस बड़ी जीत के साथ मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल पर एक बार फिर से पहुंच गई है नंबर 1 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 114 रन ही बना पाई। चेन्नई का कोई भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चला। तो वहीं मुंबई के ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए। मुंबई की ओर से ओपन करने आए क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन ने तेजी से रन बनाते हुए चेन्नई के इस टारगेट को बहुत ही आसानी से पूरा कर लिया। यशपाल जी, मैच की बात करें तो दबदबा सिर्फ एक ही टीम का, उन्हीं के बल्लेबाज, उन्हीं के बॉलर्स, यानी कि मुंबई। आज की डेट में देखें तो मुंबई इंडियंस के आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा। उनकी क्वालिटी बॉलिंग, प्रोफेशनल गेंदबाजी है, वो बोल्ड की बात करें और बाकियों की बात करें, वो बुमराह तो खैर किसी का काबू नहीं आ रहा। तो वो उसके सामने वो जो युवा खिलाड़ी खेल रहे थे, मुझे हैरानी इस चीज़ की हो रही है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं, आप एक प्रोफेशनल बॉलिंग के सामने खड़े हैं और आपको मालूम ही नहीं उनको कैसे टैकल करना है। तो ये एक बड़ी मायूस सी चीज़ दिखी आज मुझे कि वो CSK जो दिख रही थी बिल्कुल ही वो दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगता है कि वो पहले राउंड के बाद शायद वो सब कुछ हार गए थे। वो अब मायूस से चेहरे कंधे झुके हुए हैं और जिस तरह के शॉट्स खेल के आउट हुए हैं, मुझे लगता है कि ये शायद वो उन्होंने सोच लिया था कि हम प्लेऑफ में नहीं जाने वाले। जी, हैदराबाद की बात करें तो जिस स्पिरिट के लिए हैदराबाद की टीम को जाना जाता है कि वो लड़ती है आखिरी दम तक, ये चेन्नई में नहीं देखने को मिला। वैभव, अब मुंबई इंडियंस के नए कप्तान, क्योंकि रोहित शर्मा इंजरी की वजह से बाहर बैठे हुए हैं, पोलार्ड की मैं अगर बात करूं तो उनकी कप्तानी में कमाल हो गया। ये बिल्कुल दोस्तों, जब आपको याद होगा कि आपने जब शाम वाले शो में मुझसे सवाल पूछा था कि आज रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तो क्या इसका एडवांटेज चेन्नई सुपर किंग्स तो नहीं मिल जाएगा। हाँ। तो मैंने आपको क्लियर किया था नहीं, कि रोहित शर्मा भले ही इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन फिर भी इस टीम को जीत आसानी से मिलेगी। देखिए, बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी किरण पोलार्ड की, आज उन्होंने बड़ी समझदार कप्तानी की। देखिए क्या था, रोहित शर्मा पिछले 3-4 मैचेस में क्या कर रहे थे कि जब शुरुआत में ट्रेंड बॉल गेंदबाजी करते थे तो उनके साथ कभी आप कृणाल पांड्या, कभी जेम्स पैटिनसन, तो कभी कुल्टन नाइल को गेंदबाजी दे रहे थे। तो आज उस गलती को केरॉन पोलार्ड ने पूरी तरीके से ठीक किया। पहले ओवर में गेंदबाजी करी ट्रेंट बोल्ट ने और दूसरा ओवर उन्होंने दिया जसप्रीत बुमराह को, कि दो सबसे टॉप गेंदबाज जो मुंबई के पास थे ना, उनसे उन्होंने शुरुआत की। देखिए, हम क्या जानते हैं, वेस्टइंडीज जब 1970 और 80 के दशक में राज करती थी तो उनकी मेन स्ट्रेंथ उनकी गेंदबाजी होती थी, कि जो उनके मेन गेंदबाज होते थे वो शुरू से जाके अटैक करते थे। तो आज हमें वो थोड़ी वेस्टइंडीज वाली कप्तानी की झलक देखने को मिली जो 1970 और 1980 के दशक की होती थी। आजकल थोड़ा सा क्रिकेट चेंज हुआ तो कप्तान कई बार ये सोचते हैं कि हम शुरुआत में कुछ अपने ऐसे गेंदबाजों से ओवर करवा लें कि जिनके ओवर हम तेजी से निकालें और जो हमारे मेन स्ट्राइक गेंदबाज हैं उनको हम थोड़ा नीचे लाएं जिससे हमें जो डेथ ओवर है ना उसमें कम मार मिले। देखिए, जब आप शुरुआत में अगर जो सामने विरोधी हैं उनके 4-5 विकेट जल्दी से गिरा देंगे ना, तो फिर डेथ ओवर में बल्लेबाजी की नौबत ही नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी कप्तानी किरण पोलार्ड की देखने को मिली। तो कह सकते हैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ मुंबई इंडियंस के लिए कि रोहित आज चोटिल हुए, पोलार्ड को मौका मिला और एक बड़ी जीत दर्ज की मुंबई ने। और इस बड़ी जीत की ही मुंबई इंडियंस को दरकार थी, क्योंकि जो उनका नेटरन नेट ना अब 1 से ऊपर 1 से ऊपर चला गया है। वैभव, किरण पोलार्ड की बहुत तारीफ कर रहे हो आप, तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो रोहित से ज्यादा अच्छे कप्तान है? नहीं, रोहित से ज्यादा अच्छे कप्तान तो नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज उनकी कप्तानी थी वो पिछले 3-4 मैचों में रोहित की कप्तानी थी ना उनसे अच्छी देखने को मिली, क्योंकि शायद किरण पोलार्ड भी T20 के कप्तान है वेस्ट इंडीज टीम के, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है। देखिए, रोहित की जो कप्तानी है 4 बार मुंबई को चैंपियन बना चुके, तो ये कहना गलत होगा कि उनसे अच्छे कप्तान है, लेकिन आज उनकी कप्तानी की तो बात हो गई। अब उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने बाद में मोर्चा संभाला, यानी कि मुंबई के बल्लेबाजों की। यशपाल जी, दोनों ही बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन किया और वो कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा था कि ये तो हम बहुत आराम से चेस कर लेंगे। बहुत अच्छी सोच है ये, जो जैसे देखिए कि मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं। देखिए, क्विंटन डिकॉक तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन किशन को भेजना और उसको ये कहना कि जाकर अपना हौसला बढ़ाओ और अपना विश्वास बढ़ाओ, तो वो काम आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जब जैसे जैसे ये प्लेऑफ के पास आते जाएंगे दबाव बनता जाएगा, वहाँ पर फिर पीछे मुड़ के देखने की नहीं है, एक ही मौका मिलेगा प्लेऑफ में। तो मुझे लगता है कि वो एक तो पहले वो कोशिश करें कि टॉप पे पहुँच जाएँ, ये भी उन मुंबई इंडियंस की कोशिश है, क्योंकि 1 और 2 नंबर को जो हारता उसको एक मौका और मिलता है। तो मुझे लगा कि ये इस समय जो दबदबा कायम किया हुआ ना, ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं हमेशा कहता
कहता हूं शक्ति प्रदर्शन, ये मुंबई इंडियंस का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है बाकी टीमों के लिए कि आएंगे तो फिर आसानी से लेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। इसीलिए पता भी चलता है कि क्यों मुंबई को इतनी मजबूत इतनी बेस्ट टीम कहा जाता है। हर खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार और शक्ति प्रदर्शन एक रूप से देखने को मिलता है। वैभव पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, चलिए शुरू की तीन टीमें तो लगभग फाइनल नजर आ रही हैं, लेकिन नीचे की तरफ अगर हम रुख करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है नीचे का मामला। जी बिल्कुल, जो पहले की टॉप तीन थी ना वो तो हमें पिछले 7-8 दिन से जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रही है कि जिस तरीके से टॉप पे मुंबई रहने वाली है, फिर दिल्ली कैपिटल्स है और तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। चौथे नंबर पर जो मामला फंसा ना कोलकाता नाइट राइडर्स का, पिछले एक दो मैच में जो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ उससे मौका मिल गया यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब को और दूसरा आपको जो सनराइजर हैदराबाद को। देखिए राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स तो लगभग इस दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। अब जो कल और परसों के दो इंपॉर्टेंट दिन है ना, इसमें जो टीम लगातार जीत की अगर लय पकड़ेगी ना तो उनके जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे ऊपर आने के। और साथ ही साथ देखिए जोशना, अब सिर्फ जीत नहीं चाहिए आपको, जब आखिरी के दो हफ्ते शुरू होते हैं ना आपको जीत के साथ साथ अच्छी नेट रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि कई बार हमने देखा है कि 3-4 टीमें होती हैं वो एक ही पॉइंट्स पे होती है, कई बार तीन टीम 14 पॉइंट पे होंगी, कई बार तीन टीमें 12 पॉइंट पे होंगी, तो ऊपर टीम वही आती है जिसका नेट रन रेट बहुत अच्छा होता है। तो कल और परसों सैटरडे और संडे के दिन दो दो मैचेस हैं और सारे मैचेस बहुत क्रूशियल हैं। हालांकि आज आधी तस्वीर तो कल ही साफ हो जाएगी क्योंकि कल कोलकाता भी खेलेगी मैच, उसके साथ आपने हैदराबाद की बात की, हैदराबाद भी खेलेगी, पंजाब भी खेलेगी। यशपाल जी अब यहाँ ना सिर्फ ये हो गया कि आपको मैच जीतना है, लेकिन कोई टीम मैच अगर हारती है तो उससे दूसरी टीम को फायदा भी मिलेगा। यही चौथे स्थान की लड़ाई शुरू हो गई है क्योंकि जिस तरह से 14-14 पॉइंट पे ये तीन टीमें चली गई हैं, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, आरसीबी और मुंबई इंडियंस, अब ये जो 10 नंबर पर है ना केकेआर के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है कि कोई भी टीम जीतेगी वो इसके अगर बराबर आ गई तो फिर केकेआर के ऊपर दबाव आएगा। तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि प्ले ऑफ में चौथे स्थान पर कौन जाएगा। और जोशना वैभव, हाँ आप अपना जवाब दीजिए, उसी के साथ एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या बहुत अनलाइक पॉसिबिलिटीज हैं चेन्नई के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने की? जोशना अगर चेन्नई सुपर किंग किसी भी तरीके से आज का मैच जीत जाती ना तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी जरूर बनती कि चेन्नई सुपर किंग किसी तरीके से अगर 14 नंबर पे फिनिश करे तो शायद उनका एक मौका बन जाए। देखिए पिछले साल हमने क्या देखा था, सनराइजर हैदराबाद 12 अंकों के साथ भी क्वालिफाई कर गई थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि चेन्नई बाहर हो गई है, लेकिन अब वो 12 पॉइंट बचे और उनसे जो ऊपर की टीमें हैं ना वो काफी लाइकली लग रहा है कि वो आराम से 14 पॉइंट तक पहुंच जाएंगी, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आज का मैच जीतना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी अहम था और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैच के बाद प्रेजेंटेशन में महेंद्र सिंह धोनी भी आया ना तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको लग रहा है कोई समीकरण है, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी हमें समीकरण तो अब समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो समझ आ रहा है ये कि किसी तरीके से अब हम यहां से अगले सीजन की टीम बनानी शुरू करें। बिल्कुल अगले सीजन की बात करते वो नजर आए, यानी कि अब उम्मीद उन्हें भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए बात कर लेते हैं आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ियों की। आज के मैच के सबसे बड़े ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट को आज के मैच मिले हैं 124 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही बोल्ट के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 480। ट्रेंट बोल्ट ने आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए और बोल्ट ने एक ओवर मेडन भी डाला। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के ईशान किशन भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए। ईशान को आज के मैच में मिले हैं 96 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 366। ईशान किशन ने आज शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंद पर नाबाद 68 रन की पारी खेली। ईशान ने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक भी आज के मैच के ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। डिकॉक को आज के मैच में मिले हैं 95 फैंटेसी पॉइंट्स, इसके साथ इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 630। डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंद पर नाबाद 46 रन बनाए और इस पारी में क्विंटन डिकॉक ने 5 चौके 2 छक्के लगाए। अब मुंबई के खिलाड़ियों के यशपाल जी बात कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन आज ना सिर्फ ये खेल रहे थे कॉन्फिडेंस से मगर वो इनके खेल में ना बहुत ही फ्लो देखने को मिल रहा था, मजा आ रहा था और ईशान किशन ने तो क्या छक्के लगाए। मैं नंबर ईशान किशन को ज्यादा दूंगा। हाँ। देखिए क्विंटन डिकॉक तो प्रोफेशनल हैं, वो हाई क्लास क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ईशान किशन ने जो खेला है, जो फ्लो हो रहा था, तो बहुत सबको पल पल का मजा आ रहा था। ये एक युवा खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि अगर आपका विश्वास जागता हो और आपका कप्तान आपको आगे भेजे कि जाके अपने रन बनाइए और आगे आने वाले मैचों में आपको और मौका मिलेगा, तो ये एक बहुत फायदा मिलता है एक देसी खिलाड़ी के लिए और इस युवा खिलाड़ी ने सबको प्रभावित किया है। जो बोल्ट की आपने बात की है ना, मुझे लगता है कि वो शायद युवा खिलाड़ियों को समझ नहीं आया कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो
2019 के विश्व कप में हमें तोड़ गया था, उसको आप कैसे खेलना चाहते हैं? युवा खिलाड़ी बाहर बैठ के देखते क्या हैं? तो मुझे लगा ये दबदबा था मुंबई इंडियंस का। मुझे लगता है बोल्ट का ये सबसे शानदार आईपीएल का प्रदर्शन रहा होगा इस सीजन का। क्रिकेट धमाका में बहरहाल इतना ही। यशपाल जी आपका, वैभव आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि आईपीएल में कल दो सुपरहिट मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों मैच के स्पेशल प्रीव्यू के साथ लौटेंगे हम कल दोपहर 3 बजे। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बंगलुरु में आफत की बारिश।